मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की कार पर शनिवार को हमला हो गया था और बताया जा रहा है कि हमला शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसमें शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर जूते, चप्पल, पानी की बोतल और पत्थर भी फेंके थे। इस दौरान शिवसेना ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था, जबकि इस बीच उनके कार पर पत्थर लगने से कार के शीशे भी टूट गए थे और कार में बैठे किरीट सोमैया इस बीच जख्मी हो गए थे, जबकि उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना के गुंडे उन्हें मारना चाहते थे। सोमैया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई पुलिस ने पहले उनकी FIR दर्ज करने से मना कर दिया था, उन्होंने इसके बजाय एक बोगस केस दर्ज कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ एक पत्थर फेंका गया है, 70 से 80 शिव सैनिकों ने मुझ पर हमला बोल दिया था, पर मेरी ओर से जानकारी देने के बाद भी खार पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यह उद्धव ठाकरे की ओर से तीसरी बार वाशिम, पुणे और अब खार में मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप किरीट सोमैया ने लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जब शनिवार की रात मुंबई में खार पुलिस थाने से लौट रहे थे, तब उनकी SUV कार को घेर कर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला बोल दिया था। आपको सुनाते हैं पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ पुलिस पर आरोप लगाए। जिस प्रकार से कल रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया, वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए, मुझे तो केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की, ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए, दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया, पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। और उसके बाद में फर्जी FIR किरीट सोमैया के नाम से पुलिस ने फाइल कर दी। इस FIR में लिखा है कि शिवसेना के लोग 3 किलोमीटर दूर खड़े थे, दूसरा लिखा है दूर से एक पत्थर आया और मेरी गाड़ी पे लगा। ये किरीट सोमैया के नाम से फर्जी FIR, मेरे पास ये FIR सिग्नेचर करने लेके आया, मैंने साइन नहीं किया। और उसी समय हमने वांद्रा पुलिस स्टेशन से डेप्यूटी कमिश्नर को ये प्रोटेस्ट लेटर दिया कि मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया, मुझे थोड़ी सी यहां पर लगी, अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र सरकार के राजीव कुमार गौबा जी से चर्चा हुई, उन्होंने भी चिंता व्यक्त किए, उन्होंने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को इस विषय पे ध्यान देने के लिए कहा है। कल भारतीय जनता पार्टी मुंबई का, प्रदेश का, महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाके केंद्र सरकार के गृह सचिव से मुलाकात करेगा और इस प्रकार के पुलिस की मदद से किरीट सोमैया का मनसुख हिरण करने का जो दाव उद्धव ठाकरे और संजय पांडे ने किया है उस संबंध में बात करेगा। हाँ, तीसरा किरीट सोमैया था जीव घेना था, मनसुख हिरण करने था, उद्धव ठाकरे था सरकार का उद्धट प्रयत्न है। कल संध्याकाळी माझा पोलीस नी खार पोलीस स्टेशनला लिखित कार्यक्रम पाठवला, फोन पण केला की माझी 7:30 ते 9:15 धारावीला माझा कार्यक्रम आहे, पोल खोल अभियान, आणि त्या कार्यक्रमातून मी 9:30 ला निघालो, 9:50 ला खार पोलीस स्टेशन पोहोचलो, मीडियाचे अनेक प्रतिनिधी होते, शिवसैनिकाची मोठी गर्दी होती,
पोलीस स्टेशन ता दारात गाड़ी घेतली, त्यानंतर 20-25 मिनट पांच सीनियर ऑफिसर माझ्यात एक गप्पा मारल्या। नवनीत राणा, रवि राणा या विषयी मी चिंता व्यक्त केली। मी त्यांना सांगितलं मला जीवे मारण्याचं कट कारस्थान आहे, आणि त्यांना व्यवस्थित मी सांगितलं। सीआयएसएफ चा कमांडो जो सुपरिटेंडेंट होता त्यांनी सांगितलं, सर आप व्यवस्था करिए, ये 70-80 लोग यहां तक आपके गेट तक आए कैसे, एवढं स्पष्ट सांगितल्यानंतर त्या पाच अधिकारी खाली गेले, परत वर आले, कुणाशी बोलले माहित नाही, म्हणाले सगळं क्लिअर केलेलं आहे, काहीच अडचण नाही आहे। खाली उतरले, दरवाजे उघडले, माझी गाडी जशी फुटपाथ वर गेली हे सगळे पाच पळून गेले, आणि 80 गुंडांनी गाडीवर हल्ला केला।